अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में जीत दर्ज करे तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 सीरीज में टीम इंडिया की जीत के बाद अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार है। तो आखिरकार पहला वनडे मैच कब और कहां पर खेला जाने वाला है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में तो हम आपको बताएंगे। साथ में इस मैच की पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैच की T20 सीरीज खेली जा चुकी है, जिसके पहले मैच में तो भारतीय टीम को जीत मिल गई थी, लेकिन दूसरे मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि तीसरे मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज करते हुए सीरीज में मजबूत बढ़त हासिल कर ली। ऐसे में जब सीरीज का अंतिम मैच खेला गया तो भारतीय टीम ने बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हुए सीरीज को अपने नाम कर लिया। ऐसे में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये सीरीज 3-1 से भारतीय टीम के पक्ष में चली गई और अब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने जा रही है। तो चलिए आज हम आपको वीडियो में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पहले वनडे मैच के बारे में बताते हैं। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ODI सीरीज का पहला मैच आज साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में स्थित किंग्समीड स्टेडियम में होने वाला है, जो भारतीय समय अनुसार शाम 3:30 बजे से प्रारंभ होगा, जिसका लाइव प्रसारण 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और 3 बजे टॉस का समय होने वाला है। तो वहीं 3:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाने वाली है। अब सबसे पहले इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ODI सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क देने वाला है। तो वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में जियो सिनेमा इसका लाइव टेलीकास्ट करने वाला है, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य है। इस दौरान जियो सिनेमा पर आप हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, मराठी और हरियाणवी जैसी तमाम भाषा में मैच देख सकते हैं। इस सीरीज में अफ्रीकाई टीम इंडिया से T20 की हार का बदला लेना चाहेगी, लेकिन क्या उनके लिए ये काम इतना आसान होगा, इतिहास तो कुछ और ही गवाही देता है। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आंकड़ों के बारे में बात करें तो दोनों टीम के बीच में 91 ODI मैच खेले गए, जिसमें साउथ अफ्रीका की टीम को 50 मैच में जीत मिली है और 38 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के घर में 35 मैच खेले गए हैं, जहां साउथ अफ्रीका को 22 मैच में जीत मिली और भारतीय टीम को 10 मैच में जीत मिली है और 3 मैच बिना नतीजे के समाप्त हुए हैं। ऐसे में अब इस सीरीज में दोनों के बीच बेहतर संघर्ष देखने को मिल सकता है। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये मैच डरबन के किंग्समीड क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। ऐसे में इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा अनुकूल है। इसके अलावा इस मैदान पर तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज दोनों को बेहतर तरीके से मदद मिलती है, जहां पर इस मैच में तेज गेंदबाजों को शुरू में काफी उछाल और मदद मिल सकती है, तो वहीं स्पिन गेंदबाज दूसरी पारी के अंदर काफी ज्यादा घातक दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यहां पर तेज गेंदबाजों को शुरू से लेकर अंत तक काफी ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इस मैदान पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा, क्योंकि कंडीशन और आंकड़े पहले गेंदबाजी के लिए बेहतर रहेंगे। हालांकि इस मैदान पर अभी तक 51 T20 मैच खेले गए, जहां पर 25 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं तो वहीं 21 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। तो वहीं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस मैदान पर 7 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम को 1 मैच में जीत मिली और साउथ अफ्रीका की टीम ने 6 मैच में जीत मिली है। ऐसे में यहां पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। इस मैदान पर पहले इनिंग का औसत स्कोर 240 रन का रहा है। अब दोस्तों दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो साउथ अफ्रीका की टीम अपने मजबूत खिलाड़ियों को मैदान पर उतारने वाली है, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रिजा हेंड्रिक्स और डिवन फेरेरा पारी की शुरुआत करेंगे। तो वहीं मध्यक्रम में कप्तान एडन मार्करम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर और क्रिस्टन स्टब्स खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं ऑलराउंडर के रूप में मार्को जॉनसन को खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर गेराल्ड क्वेट्ज़ा, केशव महाराज, बर्थमैन और पीटर को भी खेलने का मौका मिलेगा। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से यहां पर ओपनिंग करने के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर संजू सैमसन विकेट कीपर की भूमिका भी निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अब कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरते हुए दिखाई देंगे। इतने नहीं, अब इनका ध्यान देने के लिए मध्यक्रम में फिर से रिंकू सिंह को फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया जा रहा है। इतने नहीं, ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, जो अपनी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से विरोधी टीम को परेशान कर सकते हैं। तो वहीं स्पिन गेंदबाज के तौर पर रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती को खेलने का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह का साथ देने के लिए यश दयाल भी अब खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले वनडे मैच को अपने नाम कर पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।